देश में फैलती कोरोना महामारी को लेकर 21 दिन का लॉकडाउन जारी है, जिसको लेकर देश में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन बात की जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की, तो वह हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में कोई भी लॉकडाउन के चलते भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिले के आला अधिकारियों ने अब कमर कस ली है और प्रशासनिक रसोई शुरू कर दी गई है। इन रसोइयों से रोजाना 5,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने राज्यों में भोजन और राशन की व्यवस्था दुरुस्त कराएं, ताकि कोई भी गरीब और मजलूम जिसको भोजन की आवश्यकता है वो भूखा ना सो पाए। मुख्यमंत्री की अपील का सभी जिलों के आला अधिकारियों ने समर्थन किया है और सभी ने अपने अपने जिलों में प्रशासनिक रसोइयां तैयार करा दी हैं। आज जब हमारी इंडियन प्राइम न्यूज़ की टीम इन रसोइयों का जायजा लेने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंची, तो वहां पर रसोई में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली और भोजन बनता दिखाई दिया। इसके बाद टीम मेरठ पुलिस लाइन पहुंची, जहां पर पुलिस परिवार के लोगों के लिए राशन और ताजी सब्जी और फलों का पूर्ण इंतजाम किया हुआ है, ताकि पुलिस परिवार बाहर ना जाए और संक्रमित ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिर हमारी टीम कैंट में अतिथि भवन में बनाए गए जिला प्रशासन की रसोई में पहुंची, जहां पर रोजाना 5,000 से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है और उसको लगातार वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेरठ ने सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करें और किसी को भी भूखा न सोने दें। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है। कौन? रोल। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। शर्मा जी, ये जो रसोई यहाँ पर बनाई गई है, अब तक इसमें कितने लोगों के लिए रोज का खाना तैयार हो रहा है और कहाँ कहाँ ये वितरण किया जा रहा है? ये पूरे मेरठ शहर के अंतर्गत किया जा रहा है। जो भी गरीब व्यक्ति है जिसको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो भूखे व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है और विभिन्न टीमों के द्वारा सेक्टरों को बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं और अपना समय से खाना ले आते हैं। सुबह शाम खाना जा रहा है। कल तक 4,500 पर डे जा रहा था और आज से व्यवस्था की है, सवेरे 5,000 पैकेट और शाम को फिर 5,000। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रशासनिक रसोई है, तो इसकी मॉनिटरिंग खुद कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग यहाँ पर सारा प्रशासन व्यवस्था है। खाद्य विभाग से चेक करते हैं खाना कैसा बन रहा है, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। इवन सैंपल भी लिए गए हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल, सफाई का और सैनिटेशन का, हाइजीन सैनिटेशन का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये भी आज की व्यवस्था को देखते हुए, जैसा कि आजकल चल रहा है कोरोना की जो बीमारी, उसके लिए हमने मैन टू मैन पूरी व्यवस्था की है कि इतनी दूरी पर बैठे और मास्क लगाएं और सिर पे हेड गेयर भी लगाएं। क्या जिलाधिकारी वगैरह भी यहाँ पर कोई? हाँ, प्रतिदिन विजिट कर रहे हैं। कल तो कमिश्नर साहब भी आए थे और मैम CDO तो प्रतिदिन 2 बार आते हैं चेक करने के लिए, दो 3-3 घंटे लगाते जाते हैं। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो कैसे सफाई व्यवस्था? सफाई व्यवस्था आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह की सफाई व्यवस्था है। पूरे इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से अंदर स्टोर में जहाँ किचन है वहाँ पर सफाई व्यवस्था का आप खुद जायजा लेकर।